उसने कहा कि तेनू कोई देंदा नहीं तो मैनू कोई लैंदा नहीं, आ शादी कर ली है। इसका तर्जमा हम ऑन एयर नहीं कर सकते। उसकी मेहरबानी है, उसने खतून का नाम लिया, उसने ये भी कह दिया कि सारे सिंध में मेरे मजदूर की वजह से बच्चे पैदा हुए हैं। वो कितना टैलेंटेड है, पागल बना हुआ है, गंदी गंदी बातें करके वो इलेक्शन भी लड़ेगा। पॉपुलर औरत दानिया से ज्यादा पॉपुलर ढूंढेगा, बाद बेशक शादी करके उसके पाँव पड़ा के खुदा के लिए किसी को बताना ना, वो एक अलग बात है, लेकिन अपने मजदूर को बेचने की खातर वो किसी हद तक भी अब जाएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ये मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, लोयापार हकीम शहजाद गिरफ्तार हो गया जो दानिया शाह का शोहर है। क्यों गिरफ्तार हुआ, क्या कसूर था और लोग उससे अब भी इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? मेरे साथ एक बार फिर फरकान शाह साहब मौजूद है, इनसे जानेंगे कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। लोयापार हकीम शहजाद गिरफ्तार हो गया, किस केस में हुआ? इसको बड़ी देर पहले गिरफ्तार होना चाहिए था। अच्छा। इसकी वीडियोस मैंने शुरू शुरू में देखी, किसी और नीयत से नहीं, वैसे ही ये अपनी बेहुदा किस्म की गोलियों की नुमाइश कर रहा था, उनकी वो कर रहा था, मशहूरी कर रहा था, फिर अपनी बीवी को साथ बैठा के कह रहा था मैं पांचवी बीवी ढूंढ रहा हूँ, ये मेरा कैप्सूल है, ये मेरा। इसको तो बड़ी देर पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। इसमें अब जो एक जल्दी एक फेक अफवाह उड़ा के हमारे शहर लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में बदनामी फैलाई गई है ना पंजाब कॉलेज वाले वाकया की, तो ये उसमें गिरफ्तार हुआ और इसमें इस जैसे इस केस में एक्टिव हुई है ना साइबर क्राइम, इसने क्या किया, इसने गलत इंपॉपुलरिटी की है और उसको उस वाक्य को सच्चा साबित करने की कोशिश की है। अच्छा। हाँ जी, जैसे एक घटिया औरत ने कराची में उस बच्ची की मां बन के अपना इंटरव्यू दिया और मुझे बड़ा मजा आया कि उसको गिरफ्तार करके लाहौर में आया। इस तरह के लोगों का मुहासबा मुझे देखे, कितना बड़ा इंतजार हुआ, कितने बच्चों की टांगे टूटी, कितना नुकसान हुआ, कितने कारोबार तबाह हुए, सड़कें, इस तरह के लोगों की वजह से ना जिन्होंने जा रहा है कि उसकी मजून जो लोया पाड़ है वो भी काम नहीं आई। क्या मतलब है इसका? ये ना हमारा आप भी महजब है तो मैं भी अपने आप को उम्र के इस हिस्से में, इसका तर्जमा हम ऑन एयर नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक घटिया आदमी है, एक जिंदी मरीज आदमी है, पुलिस के पास बड़ा जबरदस्त वो सिस्टम इसका ना ऑटो सिस्टम कर देंगे, अपडेट करने का सिस्टम है, सॉफ्टवेयर इसका चेंज कर दे, अपडेट कर दे। ये ऐसी ऐसी गलीज गुफ्तगू दानिया शाह, अब मैं क्या कहूं, मैं भी तो बैडला कह के ज्यादातर जो इस तरह की खवातीन आती है उनके साथ शाह लगा होता है, मैं तो थोड़ा सा अब मैं क्या कह सकता हूं उनको। सही। तो इसने पहले वो एक मजहबी स्कॉलर था। हाँ। उसकी जिंदगी को खत्म करने का बायस यह औरत बनी। अब लोहा पाड़ को भी इस औरत के नसीब बहुत मुझे अच्छे लगते हैं, इसने जेल का मुंह दिखा दिया, तो अल्लाह खैर करेगा इसके। इसको भी मुझे लग रहा है दानिया शाह ये आमर लियाकत के पीछे ही जाएगा। दानिया शाह को इसने इस्तेमाल किया, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, इसने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, अब फेम लेने के लिए ना लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। अब आपने देखा होगा ये जो खवातीन है किस हद तक गिर गई है, कितनी गलीज वीडियो बना रही है, ये भी गलाजत ही फैला रहा है ना, ये जो नया पहाड़ की ना ये क्या कर रहा है, गलाजत फैला रहा है। ये इसका कोई पॉजिटिव मैसेज जा रहा है माशरे से, इससे कोई लोगों की सलाह हो रही है? मैसेज तो ये है जो आप देते हैं, शाह से शादी का मकसद क्या, पॉपुलरिटी, सस्ती शोहरत, इसको शादी करेंगे या और ये एक कमर्शियल शादी से कहते हैं, जिसको कहते हैं आजकल लाहौर में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अच्छा, बड़ी मशहूर है आजकल ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। उसने कहा कि तेनू कोई देंदा नहीं तो मैनू कोई लैंदा नहीं, आ शादी कर ली है। ये बेसिक वो वाली शादी है, टिकटॉक वाली मशहूरी। इन दोनों को उस देखे ना दानिया शाह से शादी से पहले आप जानते थे लोहा पाड़ को? नहीं, मैं भी नहीं जानता था। वो अपने मकसद में कामयाब हो गया और ऐसे मजून भी उसकी काफी, मजून भी बिकी, सब कुछ हुआ। और अगली बात देखे कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया, असूलन हमें उसे डिस्कस नहीं करना चाहिए, वो गलीज आदमी है। जो लोग उसको नहीं जानते, आपका प्रोग्राम लाखों की तादाद में लोग देखते हैं, अब हर कोई खोल के देखेगा लोहा पाड़, कोई उसकी मजून मंगा लेगा और कई लोगों को मुझे लगता है गुर्दे खराब हो जाएंगे। ठीक है, वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। शादी उसने दावा किया हकीम शहजाद ने कि इस खतून को मैंने हमला किया। हाँ, अच्छा किया, आपकी मेहरबानी है, आपने उसका नाम नहीं लिया क्योंकि इज्जत सबकी बराबर होती है, तो ये तो घटिया आदमी है, ये तो नाम नहीं जा रहा हरेक का, तो ये घटिया आदमी है, ये सिर्फ अपना मजून, ये सारा रुपयों का चक्कर है, यूट्यूब पे लोग डालरों के लिए। सच है, झूठ है कि जी मेरी मजून से वो
प्रेग्नेंट हो गई, हमला हो गई, ये बच्चे की माँ बनने वाली, उसकी मेहरबानी है, उसने एक खतून का नाम लिया, उसने ये भी कह दिया कि सारे सिंध में मेरे मजून की वजह से बच्चे पैदा हुए, उसके कहने की बात है ना, ये तो बकवास है, ये फ्रॉड है, मजून से उसकी से बचे, वो गुर्दे खराब कर देगी, डायलिसिस कराने पड़ेंगे बाद में, मेरे कई जानने वाले जो इस तरह के कीमो की दवाइयां खाई है, बाद में डायलिसिस करा के किसी के पास पैसे थे वो ट्रांसप्लांट करा गया, जो नहीं करा सकता था वो अल्लाह के पास चला गया। मैं आपको बंदों का नाम एड्रेस और हर चीज बताऊंगा। दानिया शाह का फ्यूचर क्या देखते हैं? 3 महीने बाद एक और खानम ढूंढ रही होगी। अच्छा, हाँ जी, तो यकीम शहजाद लोया पहाड़ वो अपने मकसद में कामयाब हो गया, उसको जो वो चाहता था वो अपने वो जो मजूर है ना उसको बेचने, पॉपुलर औरत दानिया से ज्यादा पॉपुलर ढूंढेगा, वो इसलिए ढूंढेगा कि ताकि उसके मजून की मशहूरी हो, बाद बेशक शादी करके उसके पाँव पड़ा के खुदा के लिए किसी को बताना ना, वो एक अलग बात है, लेकिन अपने मजून को बेचने की खातर वो किसी हद तक भी अब जाएगा, क्योंकि अब वो इस गिरफ्तारी में उसको इतना पॉपुलर कर दिया है, इतना पॉपुलर कर दिया कि हर चैनल पे हर व्लॉग में उसका जिक्र हो रहा। अब वो मैं एक आपको अपनी प्रेडिक्शन, मेरी जाती राय है, आपने मेरी राय मांगी है ना, वो इलेक्शन भी लड़ेगा। अच्छा, हाँ जी, किसी पार्टी, पहले पार्टी में अगर उसके फाइनेंशियली पोजीशन स्ट्रांग होगी तो अपनी पार्टी बनाएगा, नहीं तो आजाद खड़ा होकर किसी भी पार्टी में जम करेगा और उसकी मजीद पहचान बनेगी। पॉपुलर लोग चाहिए ना पार्टीज को, तो पॉपुलर तो वो हो गया। एक औरत के इस्तेमाल से आप उसको एक जहन आदमी नहीं कह सकते, वो कितना टैलेंटेड है, पागल बना हुआ, गंदी गंदी बातें करके और इस औरत से शादी करके और इसको साथ बिठा के गलीज अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, जाहिर इस्तेमाल ही होगी, जैसे ये मनाहिर मलक ने इस्तेमाल की वो शहरी ने, इस तरह दानिया शाह समझ लो। देखो ना, दानिया के बाद ये कितना पॉपुलर हो गया, बड़ी बड़ी अदाकारों के साथ कई लोगों ने शादियां की, पहले उनको कोई जानता था, हमारे बड़े मरूफ क्रिक्टर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने एक अदाकारा से शादी की, अभी भी लोग कहते हैं फलाना जिसने उससे की थी, तो ये देखे ना, ये पॉपुलरिटी का एक आसान तरीका है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने